सईद और आप देख रहे हैं निदा का किचन। आज हम बना रहे हैं रमजान स्पेशल में प्याज के पकौड़े, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और हर इफ्तार में खाए जाते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। तो प्याज के पकौड़ों के लिए जो हमने चीज़ें ली हैं वो हैं, ये हमने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद प्याज, जो हमने उन्हें इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। उसके बाद हमने ये लिया है 2 टेबलस्पून लेमन जूस। यहाँ हमने लिए हैं 4 हरी मिर्ची, जिसे हमने इस तरीके से कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून लिया हमने हरा धनिया, उसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ हमने लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्न सूप बनाने वाला। यहाँ हमने लिया है 1 कप बेसन, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने एक बोल ले लिया है, अब हम इसमें हमारी जो प्याज है उसे ऐड करेंगे और इस तरीके से उसे थोड़ा सा मसलेंगे ताकि हमारी जो प्याज है अच्छे से खुल जाए। इस तरीके से प्याज के पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं और हर घर में बनते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो उसके लिए हम आपसे ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इसको अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसमें ये जो स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे धनिया, हम सारे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे, सिर्फ अजवाइन को हटा देंगे, अजवाइन हम बाद में ऐड करेंगे। और इसके साथ हम हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे, इसी के साथ हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम लेमन जूस भी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमने हमारे जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से इस पर कोट हो जाए। इस तरीके से अब हम इसमें सबसे पहले कॉर्नफ्लावर डालेंगे इस तरीके से। अभी तक हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर प्याज जो है वो पानी खुद इतना रिलीज होता है प्याज में कि अभी हमने बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं किया है। बस इसी को इसी तरीके से हम मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हमारा जो ये बेसन है। अब हमने यहाँ पर 1 कप लिया है, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितना डलता है। चले अब इसमें पहले 1/2 डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी हमने 1/2 बेसन इसमें ऐड किया है तो ये हमें कुछ ड्राई लग रहा है, तो अब हम इसमें ज़्यादा नहीं तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से मिलाएंगे। देखिए बेसन हमें थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है तो अब हम ये जो 2 टेबलस्पून बेसन बचा है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अब हम इसको, ये देखें ये अभी बिल्कुल भी हम इस तरीके से उठा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। बस ये लिए अब हम अजवाइन को हाथ में निकालेंगे और इसको हाथ से अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी भी कितना ये ठीक है, मतलब बिल्कुल भी पतला नहीं है। तो आप भी इसी तरह कम कम पानी इसमें इस्तेमाल कीजिएगा और इसको इसी तरीके से अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए साइड पर रखेंगे। तब तक के लिए हम इसका ऑयल पैन ले लिया है और ऑयल हमने गरम करने रख दिया था। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हमने ऑयल डीप फ्राई करना है हमें इसे, तो ऑयल आप इतना ही लीजिएगा जिसमें ये डीप फ्राई हो सके। तो अब हम आप चाहे तो स्पून से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो प्याज के पकौड़े हैं ये हाथ से ही फ्राई होते हैं तो आप इन्हें कोशिश करके हाथ से फ्राई करें और इस तरीके से इनको
फैला फैला कर इसमें ऐड कीजिएगा इस तरीके से। आपके पेट में जितनी गुंजाइश हो आप उसमें उतने ऐड कर दें। हमारे जितने पैन में जगह थी हमने इतने हमारे जो पकौड़े हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमें इसे तकरीबन एक मिनट तक के फ्राई होने देना है, हमें टच बिल्कुल नहीं करना है। तो व्यूअर्स, ये जो रेसिपी है, प्याज के पकौड़े सब बनाते हैं अपने घर में, लेकिन ये जो हमने जो इसमें रेसिपी मसाले ऐड किए हैं वो कुछ डिफरेंट है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। आप इसे इफ्तार वगैरह में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइट लाइट ब्राउन हो गए, अब हम इसे पलटेंगे। देखिए माशाल्लाह से जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आया है। बस इसी तरीके से हम इसको एक मिनट के लिए पलट के फ्राई करेंगे। और हमें स्लो ही आंच पर फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा आंच तेज हाई आंच पर फ्राई करेंगे तो ये हमारे जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इसको स्लो ही आंच पर फ्राई करना है। देखिए हमें एक मिनट हो चुका है इन्हें कुक करते हुए। आप इस तरह से खोल खोल इस तरीके से आप होल कर देंगे इनमें तो बहुत अच्छे क्रिस्पी पकौड़े हमारे रेडी हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। देखिए हमारे जो लास्ट है ये भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सारे निकाल लिए, अब हम इसके डिश आउट पर आपसे मिलते हैं। हमने इसे डिश आउट कर लिया है, ये बहुत मज़े के लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह से, बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इफ्तार में आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बने हैं ये। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।